अस्सलाम वालेकुम, उसामा नशाई व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा गुजरात का लारी अड्डा। तो इसे GTS अड्डा भी कहते हैं, लारी अड्डा भी कहते हैं, नया अड्डा भी कहते हैं। तो ये गुजरात का लारी अड्डा जो है वो नवाज शरीफ पार्क जो लंडा बाज़ार है, मॉडल बाज़ार है, उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। बिल्कुल GT रोड पर वाक़ है ये लारी अड्डा। तो ये म्यूनसिपल वैगन स्टैंड है और उसके साथ ही बस का अड्डा है, यानी बसों का अड्डा लहदा है, वैगनों का अड्डा लहदा है और साथ ही जो टोयोटा होते हैं उनका भी अड्डा अलहदा है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट हों तो टोयोटे वगैरह लगे होते हैं, उसके साथ ही जो है वो बसें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी इस अड्डे की जो बाहर वाली दीवार है वो नई बनाई गई है और इस दीवार को काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबसूरती से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये गेट है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से बसेस अंदर दाखिल होती हैं अड्डे में। और ये आप देखें, दीवार के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, पेंटिंग्स कह सकते हैं आप, या खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे अजीम लोग हैं उनकी वो पेंटिंग लगाई हुई हैं, जिनमें निशाने हैदर पाने वाले शहदा भी हैं, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, और भी जो गुजरात के अजीम लोग हैं उनकी पेंटिंग्स हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाकिस्तान की अजीम शख्सियात हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। और ये वाल उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी है। और ये दूसरा गेट है, दो गेट हैं GTS अड्डा के। इधर से हम दाखिल होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि गुजरात के GTS के अड्डे के अंदर जो है वो क्या सीन होता है। तो आइए अड्डे के अंदर चलते हैं। ये देखें जी, गुजरात से मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए बसेज जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, टोटे बसेज और भी गाड़ियाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो आप किसी भी गाड़ी का इंतखाब करके किराए के हिसाब से जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो ये मेन अड्डा है गुजरात का, इसे GTS अड्डा भी कहते हैं, नया अड्डा भी कहते हैं। पहले इस अड्डे का जो लोकेशन थी वो थोड़ी पहले थी, GTS चौक पर थी, तो अब इसको जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस अड्डे से हर किस्म की गाड़ियां जो हैं वो निकलती हैं और हर शहर को जाती हैं। गुजरात से आपने कहीं भी किसी भी शहर को जाना हो तो इधर से आप जो है वो आसानी से जा सकते हैं। और एक किस्म की जहां पे गाड़ियां जो हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं, मतलब इतना ज़्यादा किराया नहीं होती, गवर्नमेंट के जो रेट्स लगे होते हैं, जो किरायानामा है पे दर्ज होते हैं रेट्स, उसी के हिसाब से लोग यहाँ से जाते हैं और गाड़ियाँ उसी के हिसाब से किराया लेती हैं। Thank you।
तो ये रहमत इलाही चौक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम रोज़ के रोज़ एक नई वीडियो आपके सामने लाते रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।